अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन फ्रेंड्स लोबी व्लॉग। तो क्या करें यार, जिस तरह आपको पता है वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। कल पहला मैच था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या किया है यार, न्यूजीलैंड ने पेल दिया है चिकने चिकने बच्चों को। बात करेंगे उसके ऊपर, और बात करेंगे कल है पाकिस्तान वर्सेज नेदरलैंड का भी मैच, उसकी प्लेइंग 11 बनाएंगे और आप भी अपनी प्लेइंग 11 बनाना, उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कल अहमदाबाद ग्राउंड के अंदर क्राउड क्यों नहीं था, उस पर बहस छिड़ी के बात करेंगे। उसके ऊपर तो चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, टिकटॉक आईडी फ्रेंड्स लोबी व्लॉग को जाके लाजमी फॉलो करो और वीडियो को करो एंजॉय और सब्सक्राइब लाजमी करो। ओके, स्टार्ट करते हैं बात उसके ऊपर, इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर। भाई जान, जब इंग्लैंड की पहली बैटिंग हुई टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग का फैसला जब हुआ तो इंग्लैंड ने 282 रन का टारगेट दे दिया। हमने सब एक टारगेट तो हैंडसम था, लेकिन जिस तरह की विकेट थी 350-400 के विकेट, फटे की विकेट थी। लेकिन चलो न्यूजीलैंड को क्रेडिट देते, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छा उनको रोका। तो उसके बाद यार न्यूजीलैंड को बोलूंगा यार बेशर्मो, थोड़ी सी हया करो। पता है तुम्हें गुस्सा था 2019 वर्ल्ड कप का, तुमने अपना पहले मैच में गुस्सा उतारा है, बहुत गंदा मारा है। तुम्हें प्यारे चिकने चिकने मासूम बच्चों को ना जुल्म किया करो इतना, बर्गर बॉयज को आराम से खेलते आप, आराम से। आपने दोनों ही ओपनर, भी तो केन विलियमसन नहीं खेला था, डेविन कॉनवे और रविंद्रा ने सेंचुरी मार, दोनों ने भाई पेल दिया पकड़ के कोई पूरी इंग्लैंड टीम को। और अभी तो चले एक तरफ न्यूजीलैंड का केन विलियमसन नहीं खेल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड का बेन स्टोक्स भी नहीं खेल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, चलो पहला मैच था, अच्छा हुआ। बहुत ही गंदा पेला इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने, तो उस पर जो है बहुत ज्यादा दुख हुआ। और सबसे ज्यादा थोड़ा हमें भी अच्छा फील हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैच में हमें भी बहुत गंदा पेला हुआ था, तो उसका भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा, जब पता है ना साथ वाला भी थोड़ा पीले, तो थोड़ा हमारा दर्द भी कम हुआ, हमें भी अच्छा लगा। क्योंकि इंग्लैंड से हमारा भी तो बदला था 2022 वर्ल्ड T20 फाइनल का, अच्छा हो गया। तो थोड़ी सी बात उस पर करेंगे, होगी बात। अब करते हैं बात अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में क्राउड क्यों नहीं था। यार पहला मैच था, ओपनिंग सेरेमनी हुई वो भी उसी तरह नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो है क्राउड भी नहीं था वहां पे। लेकिन कुछ इंडियन फैंस कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, शुरू में नहीं था लेकिन एंड पर हो गया, मान लेते हैं हम उनकी भी। लेकिन 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 वो जो आंटी थी जिसने इंटरव्यू में सच बोल दिया, पहले आप वो देखें। मैच देखने आए, हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच है। क्या मैच, इंग्लैंड न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड इंडिया पाकिस्तान नहीं। और फिर उसके बाद जो है वो जो उनको बिरयानी और उसके नाम पर आप उनको ग्राउंड में लेकर आए, और उसके क्या कहते हैं, उन्होंने इतना भी सच नहीं बोलना था जितना उन्होंने मीडिया पर आकर बोल दिया। लेकिन चलो कर दिया, कोई बात नहीं, इस तरह की चबले होती रहती है, मजा हो गया। लेकिन फिर भी क्राउड तो था नहीं यार जितना। लेकिन बात एक बार ये भी है कि 1.5 लाख नरेंद्र स्टेडियम में 1.5 लाख कैपेसिटी के लोग थे, लेकिन उसमें अगर 40-50 हजार भी हो लेकिन वो भी खाली लगेगा। बात तो सही है, ग्राउंड में कुछ खाली सीट्स नजर है जहाँ पे कबूतरों ने हग दिया। वैसे हगना तो यार हम पाकिस्तानियों का काम है, हर जगह हग देते हैं। लेकिन कल ना हगना प्लीज, कल ना हगना। कल की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं, मैं कहता हूँ कल की प्लेइंग 11 में होना चाहिए इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, साउथ शकील को लाजमी रखना चाहिए, इफ्तिखार हो। बॉलिंग में शदाब, नवाज ये तो होंगे क्योंकि इनके बिना टीम को इनकी चलती नहीं, इनको पता नहीं क्या गंदी आदत है। उसके बाद अगर शाहीन, हसन और हारिस रॉफ, ये प्लेइंग 11 कल की होनी चाहिए। अगर फखर जमान खेला तो इनको मैं डंडा दूंगा उसके ऊपर। और फिर बात करेंगे टेम्बा मोहम्मद के ऊपर, साउथ अफ्रीकन कैप्टन, जो तमाम सारे फुटबॉल कैप्टन बैठे हुए हैं, उसने अपना काम बनाया है भाई, अपना काम बनता भाड़ में जाए बस जनता भाई, जहाँ खोया हुआ आराम से सुकून से बैठ के, तमाम कवरेज चल रही है, तमाम टीवी चल रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहा है। और उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर सचिन तेंदुलकर आया, उसकी मुझे बड़ी खुशी है, बहुत चिकना लग रहा था सचिन तेंदुलकर, यार आई लव यू। उसके बाद हमें ग्राउंड के अंदर अपना प्यारा चन्मुख भी नजर आया जिसका नाम है जय शाह, उसके हमारी वीडियो जो है चलती थी, वो भी बैठा हुआ था, उसने भी अच्छा पब्लिसिटी स्टंट किया कि आम आवाम में बैठकर उसने मैच को देखा। लेकिन पता नहीं उसका मुंह क्यों इंटीग्रेशन के सवाल की तरह हर वक्त मुश्किल ही रहता है, लेकिन वो इतना सीरियस क्यों बैठा हुआ था इस बात की हमें समझ नहीं है। चलो ठीक है, ओके करो बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टिकटॉक आईडी फ्रेंड्स लोबी व्लॉग को जाके लाजमी फॉलो करो और लाजमी सब्सक्राइब कर दो। कितनी के बार बोले तुमको, समझ नहीं आती क्या? ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।